नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिपर्टरी के बारे में, कुछ जो पॉइंट्स जो हमें ज़रूरी होते हैं जानने के लिए। अब ये जानने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्टेट एग्ज़ाम्स, मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम और पीजी की तैयारी के लिए पेपर्स भर रखे होंगे। तो अब हमें उन पॉइंट्स को रिफ्रेश करें, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमारे रिपर्टरी के ऐसे फंस जाते हैं कि हमें 20 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो हम उस चीज़ को देख के चलेंगे कि हम इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रिपर्टरी। जो रिपर्टरी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुआ है, रिपर्टोरियम या फिर रेपर्टायर। ठीक है। अब जो वर्ड रूब्रिक आया है वो हमारा दूसरा लैटिन वर्ड रूब्रिका से ओरिजिनेट हुआ है। जी बी मिलर ने हमारे रिपर्टरी में एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स दिए थे, जिसमें वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड रेमेडीज भी एडेड है। एंटीसोरिक, जो बोनिंग होसन की एंटीसोरिक आई थी रिपर्टरी, उसका फर्स्ट एडिशन आया था 1832 में और सेकेंड एडिशन आया था 1833 में। जो बीटीपीबी यानी कि बोनिंग होसन द्वारा जो लिखी हुई रिपर्टरी थी वो ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज में लिखी थी, बाद में उसका जो ट्रांसलेशन हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था। फिर हम अगर बात करें तो हम उसमें हमें बीटीपीबी में बहुत सारी चीज़ें, और जो सबसे लीस्ट कॉमन मेडिसिन यूज़ हुई थी वो रोमन पैरेंथीसिस में लिखी गई थी। एलन ने जो ऐड किए थे उसमें आई और इसके जो सिम्टम्स ऐड किए थे, सिम्टम्स रिलेटेड टू आई और साइड्स ऑफ द बॉडी इन द पॉकेट बुक। एच.ए. रॉबर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया था एलन को, ताकि उन्होंने साइड्स जो ऐड किए थे। बीटीपीबी के कॉनकॉर्डेंट चैप्टर में 141 मेडिसिन है, बीबीसीआर के कॉनकॉर्डेंस चैप्टर में 125 मेडिसिन है। बोनिंग होसेन में जो 17 रूब्रिक्स है वो इमोशनल एक्साइटमेंट से रिलेटेड है। डिजायर फॉर इनडाइजेस्टिबल थिंग्स बीटीपीबी में कैल्केरिया का प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बीटीपीबी ने बहुत ज्यादा अनड्यू इंपॉर्टेंस दी है वेरेट्रम एल्बम को। जब रॉबर्ट्स का एडिशन आया था बीटीपीबी का, उसमें 362 मेडिसिंस थी। अकॉर्डिंग टू बोनिंग हसन, वेरी ऑफन इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ सिम्टम इज मोडालिटी। उन्होंने कहा था कि जो मोडालिटी वो कंप्लीट नहीं है। अब हम ग्रेडेशन की बात करें तो बीटीपीबी में टोटल 5 टाइप्स ऑफ ग्रेडेशंस हैं। ठीक है। नर रिपोर्टरी में 4 टाइप के, कैंट में 3 टाइप के और लिप्पे में 2 टाइप के। बोगर का पॉस्थमस एडिशन यानी कि उनके मरने के बाद जो एडिशन आया था वो पब्लिश हुआ था 1937 में विद द असिस्टेंट ऑफ हिज वाइफ रॉय बाय रॉय एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डॉक्ट्राइन ऑफ टाइम एंड कॉन्जेशन जो था वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था हमारे बीबीसीआर का। बीबीसीआर को हम पैथोलॉजिकल सिम्टम्स में ज्यादा यूज किया गया। बीबीसीआर लॉजिको यूटिलेरियन ग्रुप ऑफ रिपर्टरीज को बिलोंग करता है। बोगर ने अपने प्रीफेस को डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में, जिसमें उन्होंने बोगर का कंट्रीब्यूशन बताया गया है। जहर रिपर्टरी को हम लोग जार्स न्यू मैनुअल या सिम्टम कोडेक्स भी कहते हैं, और इसका जो प्रीफेस था वो लिखा था हेरिंग ने। सिम्टम कोडेक्स के 3rd वॉल्यूम जो थी वो रिपर्टरी थी। हेम्पल ने 4 साल लिए ताकि वो जहर की रिपर्टरी को ट्रांसलेट कर सके, और उसको हम लोग 5th एडिशन ऑफ जहर्स मैनुअल भी बोलते हैं, जो कि पब्लिश हुआ था 1859 में। रिपर्टरी पार्ट जो जाहर की थी उसे हम क्लिनिकल रिपर्टरी भी कहते हैं। फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी के नाम से फेमस है जाहर। नंबर ऑफ एडिशन जो केंट रिपर्टरी में आए थे वो थे टोटल 6। जब तक केंट जीवित थे तब तक 2 एडिशन ही रिपर्टरीज की पब्लिश हो पाई थी। केंट की जो 3rd एडिशन आई थी वो पब्लिश की थी डॉक्टर एरहार्ट ने विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर एफी ग्लैडविन एंड डॉक्टर जे एस पॉ। 1974 में डॉक्टर पियर श्मिट ने एक रिवाइज्ड एडिशन बताया था केंट की फर्स्ट रिपोर्ट्री का, यानी जो फर्स्ट केंट केंट की फर्स्ट एडिशन आई थी रिपोर्ट्री की, उसका 7th एडिशन जो था वो डॉक्टर पियर श्मिट ने रिवाइज्ड एडिशन निकाला था। फिर ग्रैंड पर्टिकुलराइजेशन की बात करें तो ये हमें सबसे पहले डॉक्टर केंट ने दिया था। कुंजली ने डॉक्टर केंट के चैप्टर्स को 37 चैप्टर्स को रिड्यूस करके 27 बना दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्पेशल सेंसेस थे जो उन्होंने एक ही चैप्टर के अंदर कंबाइन कर दिया था। केंट में
तो रिपर्टरी के अकॉर्डिंग टोटल 648 रूब्रिक्स हैं, जिसमें से जिन रूब्रिक्स के अंडर जिसमें मेडिसिन है वो 642 है। स्मॉलेस्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो कैंट के अकॉर्डिंग, कैंट रिपर्टरी में प्रोस्टेट चैप्टर सबसे स्मॉलेस्ट है अगर हम पेज वाइज बात करें, और रूब्रिक वाइज अगर बात करेंगे तो कैंट में हियरिंग का चैप्टर सबसे छोटा है जिसमें सिर्फ 4 रूब्रिक्स हैं। लार्जेस्ट चैप्टर की वाइज बात करेंगे तो एक्सट्रीमिटीज चैप्टर सबसे ज्यादा बड़ा है। लार्जेस्ट चैप्टर अगर रूब्रिक वाइज बात करते हैं तो माइंड सबसे बड़ा है। और अगर टोटल नंबर ऑफ नोजोर्स की हम बात करें कैंट रिपर्टरी में कितने हैं, तो वो 11 हैं। एलन रिपर्टरी डेट इज सिम्टम रजिस्टर, उसमें 825 मेडिसिन हैं जो कि पब्लिश हुई थी 1880 में। फिर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन नर रिपर्टरी है वो है 48। नंबर ऑफ मेडिसिन इन नर रिपर्टरी है 408। लास्ट चैप्टर यानी 48 चैप्टर नर रिपर्टरी का है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। 47th चैप्टर इन नर रिपर्टरी है हेरिंग स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हेरिंग्स गाइडेंस सिम्टम के 10 वॉल्यूम्स हैं, जेंट्री के कॉन्कॉर्डेंस के 6 वॉल्यूम्स हैं, और पब्लिश हुआ था 1890। और टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इस रिपोर्टरी में है 420 यानी 420 मेडिसिन। बोरिक रिपोर्टरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल रिपोर्टरी। होम्योपैथिक रिपोर्टरी ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी बाई लैफिट सबसे पहले ओरिजिनली आई थी फ्रेंच भाषा में। अब हम बात करते हैं सेकंड इंग्लिश रिपोर्टरी जो पब्लिश हुई थी वो थी 1859 में, जिसे साइफर ने लिखी थी। फिर उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश रिपोर्टरी जो थी वो पब्लिश हुई थी 1838 में हेरिंग के द्वारा एलन टाउन अकेडमी में। सिस्टमेटिक अल्फाबेटिकल रिपोर्टरी आई थी 1848 में बाय क्लोटर मुलर। जहर की पहली रिपोर्टरी जो पब्लिश हुई थी वो थी जर्मन लैंग्वेज में। साइफर रिपोर्टरी को बाद में एनलार्ज किया था ड्रिजडेल ने, एटकिन ने, डर्जन और स्टोक्स ने इन 1878। रिपोर्टरी ऑफ डिजायर एंड एवर्जन बाय गरिंसे आई थी 1873 में। बैरेज की आई रिपोर्टरी भी पब्लिश हुई थी 1873। रिपोर्टरी ऑफ यूट्रस ये आई थी दिया था बाय मिंटन, और रिपोर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन्स इसे दिया था ए आर मॉर्गन ने। रिपोर्टरी ऑफ मोडालिटीज थी बाय वॉर्चेस्टर इन 1880। ग्लेजर की पहली अल्फाबेटिक पॉकेट रिपोर्टरी आई थी 1833 में। रिपोर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन बाय ली एंड क्लार्क इन 1884। बोरिक्स क्लिनिकल रिपोर्टरी पहली पब्लिश हुई थी 1927 में। केंट्स रिपोर्टोरियम जर्नल बाय कुंजली आई थी 1990 में। मैन द अननोन रिटन बाय एलेक्सिस कैरल 1885 में फादर ऑगस्टस मुलर ने पब्लिश की थी मैनुअल ऑफ होम्योपैथी, जो कि फर्स्ट इंडियन रिपोर्टरी थी। केंट की रिपोर्टरी के रूब्रिक साइनसेस हमें मिलते हैं चैप्टर नोज एंड फेस में। इसोफेगस हमें चैप्टर मिलता है केंट के थ्रोट में। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमें लगता है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और हमें से जुड़े रहिए। धन्यवाद।